जिंदगी एक सरहद है और हम उसके सिपाही। गोलियां खाना लाजमी है शहादत के लिए। मेरा नाम जोया अमरीन है। हम आधे शरीफ और आधे बंटा है, और हाफ बंटा है ना ज्यादा खतरनाक होते। गवंडी ब्लैकलिस्ट। बदमाशों की बदमाशी तो बहुत देखी होगी तुमने, इस दफा शरीफों का शिकार देखना। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ो। गवंडी कुछ गुंडों की वजह से ब्लैकलिस्ट में है, तो इस कलंक से निकाल रहे हैं वो लड़के, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरा मुल्क मेरी गुवंडी है, मुंह तोड़ दूंगा अगर कहा गंदी है। हर कहानी में एक विलन जरूर होता है, पर कहानी खुद विलन हो तो? हाथ में गुलाब है, सामने नवाब है, आई लव यू बोलता हूँ, बोलो क्या जवाब है? रेहान साहब समझा दो उन लड़के लोगों को, वरना कब्रस्तान वाले रोड पे लेके जाके ऐसे ठोकूंगा, कफन दफन का वक्त भी जाया नहीं होगा। सब आपके नाम के आगे सर लग जाता है तो समझ लो आपकी लगने वाली। उसकी बहन बिल्लो, वो तो और ज्यादा डेंजर है। जो गोवंडी पूरी मुंबई का कचरा अपने आंचल में समेट लेती है, वो गोवंडी अगर औकात में आ जाए तो पूरी मुंबई हिल सकती है। हम अपना कचरा जड़ से साफ करने की ताकत रखते हैं। गोइंडी में दो ही लोग फेमस है, एक गोइंडी का छोकरा और दूसरा ये टीपू सुल्तान। किसी भी इलाके में दो तरह के लोग होते हैं। मेरी माँ का एक लौता लड़का हो, एक शरीफ और एक बदमाश। भाई भाई, पर कुछ लोगों की बदमाशी की वजह से पूरे जोन को ब्लैक लिस्ट क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं गोवंडी के लिए वीडियो बनाऊंगा, लोगों को अच्छाइयां दिखाऊंगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सब आए, तुम गोवंडी के डॉन हो, डॉन बंटा है, खुद को पहचानो। हमें पता है हम एक दिन मर जाएंगे, पर वादा है मेरी जन्नत तेरे लिए जरूर कुछ कर जाएगी।